हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पॉसिबल 11 के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, CPL बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट चल रहा है, काफ़ी इंटरटेनिंग टूर्नामेंट अभी तक चला है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे मैचेस देखने को मिले, स्पिनर्स का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पिचेस स्पिन को के लिए आइडल है, वहीं स्टेडियम भी काफ़ी बड़े हैं, तो स्पिनर्स को रन बनाना स्क्वायर बाउंड्री में मुश्किल हो रहा है स्ट्रेट में, ठीक है। तो ये टूर्नामेंट के अभी तक के हाल हम मैं आपको बता दे रहा हूँ कि स्पिनर्स का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, उतने ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को नहीं मिले। फ्रेंड्स, TKR वर्सेस SIAM के बीच में ये मैच खेला जाएगा, तो TKR की तरफ से आप देखने को मिलेगा कि ओपन कर रहे हैं सुनील नारायण, जो कि प्रीवियस टूर्नामेंट में हर मैच में ओपन नहीं किया था उन्होंने, और इस बार ओपन करते हुए देखिए काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी रहा, 50 रन भी उन्होंने मारे, बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी की, लंदन सिमंस का भी ठीक ठाक प्रदर्शन रहा, मुनरो अच्छी शुरुआत दी, पोलार्ड उतने रन्स नहीं स्कोर कर पाए, रोहित ब्रावो अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे थे, सिकंदर रजा 9 नंबर पे आते हैं इस टीम पे, तो आप देख सकते हैं बैटिंग के कितनी ज़्यादा डेप्थ है, बहुत ज़्यादा डेप्थ है। जेदन सेडल्स भी है इस टीम में, एक अच्छे ऑलराउंडर है। वहीं जमैकन तलवा की बात की जाए तो ग्लेन फ्लेमिंग का लास्ट मैच बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, चैडविक बोल्टन उतने रन स्कोर नहीं कर रहे पाए, रोहन पॉल एवरेज इनिंग के लिए, आसिफ अली का फैंटास्टिक इनिंग था, बहुत ही अच्छा उन्होंने खेला, काफ़ी अच्छी बैटिंग की उन्होंने, आंद्रे रसल बिलो एवरेज बैटिंग की उन्होंने, काफ़ी स्लो बैट कर रहे थे और रन्स भी उतने ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए। कार्लोस ब्रैथवेट ने लास्ट में काफ़ी रन मतलब कि फिनिशिंग करके मैच को जिताया था, चेस किया था, और पावमॉल ने विकेट्स लिए थे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी उनकी मैच गई। संदीप लामिचानी, मुचीब और अश्विन थॉमस सारे सभी अच्छे फॉर्म में बोलर्स हैं। तो फ्रेंड्स, दोनों ही टीमों को देखा जाए तो दोनों ही काफ़ी तगड़ी टीम है, पर एक पिक करना जाए कि कौन सा फेवरेट होगा इस मैच के लिए, कौन जीत सकता है इस मैच को, तो वो होगा TKR, क्योंकि TKR की काफ़ी तगड़ी टीम है, बैटिंग बहुत ज़्यादा डेप्थ है इनकी और बॉलिंग भी काफ़ी है इनके पास, जैसे कि बॉलर्स की भी बात की जाए तो सुनील नारायण है, पोलार्ड भी बॉलिंग कर लेते हैं, ड्वेन ब्रावो, चेतन सिंह, सिकंदर रजा, अली खान, फवाद अहमद, काफ़ी अच्छी बॉलिंग डिपार्टमेंट भी है इनकी। वहीं जमैकन तलवर्स की बात की जाए तो बैटिंग काफ़ी अच्छी है, बॉलिंग में भी कुछ बड़े बड़े नाम है पर सभी उतने अच्छे नहीं है, जैसे कि संदीप लामिचानी, मुजीब और अश्विन थॉमस काफ़ी अच्छे प्लेयर देखने को मिलेंगे, वोमन फोमोल कुछ हद तक TKR से स्लाइटली ख़राब बॉलिंग है, और बैटिंग भी बात की जाए तो TKR की ज़्यादा ही बेहतर है। अगर रसल फॉर्म में नहीं रहते तो जैम के लिए काफ़ी दिक्कत होगी जीतना, क्योंकि रसल अगर फॉर्म में नहीं रहते वही उनके दिलो धड़कन है, और अगर वो रन्स नहीं स्कोर करते तो दिक्कत होगी। तो फ्रेंड्स, फिर हम आगे बढ़ते हैं मैच प्रीव्यू की ओर। तो मैच प्रीव्यू के ऊपर बता दूं कि ये कैरेबियन प्रीमियर लीग का मैच खेलने जाने वाला है TKR वर्सेस जैम के बीच में, 3 बजे सुबह में ये मैच शुरू होगा 21 अगस्त को इंडियन टाइमिंग के अनुसार मैं बता रहा हूँ। ट्रिबागो नाइट राइडर्स की तरफ से बात किया तो बहुत ही अच्छा फर्स्ट में गेम था, स्ट्रॉन्ग गयाना को उन्होंने आसानी से हराया, ट्रिबागो अच्छी सेटल टीम लग रही है, काफ़ी हर डिपार्टमेंट इनके शॉर्टेड है, मतलब कि वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस स्क्वाड है इनकी। फिर सुनील नारायण का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्टैम सेफर्ड विकेट कीपिंग कर रहे हैं इस टीम के लिए, फवाद अहमद की अच्छी बॉलिंग देखने को मिली थी, मात्र 19 रन दे के सुनील नारायण ने 2 विकेट लिए थे, DJ ब्रावो यानी कि ड्वेन ब्रावो, और ड्वेन ब्रावो का अच्छा प्रदर्शन था, जैदन सीरल्स ने भी 1 विकेट लिया था। जमैकन थालावास की बात की जाए तो थालावास की तरफ से उन्होंने विकेट की थी सेंट लूसिया की साइड से, तो फिलिप्स ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, आसिफ अली ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, रसल उतने अच्छे रन स्कोर नहीं कर पाए और धीरे भी खेले काफ़ी, कुछ 110 का स्ट्राइक रेट था, काफ़ी स्लो खेले। अच्छा, हो सकता है कि इस मैच में वो बड़ी इनिंग देखने को मिल सकती है रसल की तरफ से, बॉलिंग अच्छी कर रहे थे रसल लास्ट मैच में, मुजीब ने 2 विकेट लिया लास्ट मैच में, फोमोल ने 2 विकेट लिया था, लामिचानी ने 1 विकेट लिया था और रसल ने भी 1 विकेट लिया था। CPL 2020 में हेड टू हेड अभी इनका कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, लास्ट ईयर के टूर्नामेंट्स का प्रदर्शन आप जाके देख सकते हैं। टॉप पिक्स की बात किया तो लंदन सिमंस काफ़ी अच्छा गया था, उनका 40 का एवरेज था विद द बैट लास्ट ईयर, और मनरो की बात किया तो T20 सेंचुरीज इनके पास, इंटरनेशनल में जेन्युइन T20 मैच विनर है, ओपनर भी है, 1 डाउन खेलने को आए थे लास्ट मैच में, काफ़ी अच्छे प्लेयर है वो भी। ग्लेन फ्लेमिंग भी एक अच्छे ओपनर है, 374 रन बनाए थे मात्र 10 गेम में आप पिछले टूर्नामेंट में, जबकि एक नॉन वेस्ट इंडियन प्लेयर है, न्यूजीलैंड से आते हैं ये आंद्रे रसल, जिनकी क्रेडिट प्राइस 10.5 है, ये सभी ऑलराउंडर्स में से बेस्ट ऑलराउंडर के गिनती में आते हैं और T20 क्रिकेट में वो बहुत ही बड़े प्लेयर हैं। लास्ट मैच बैट से उतना ज़्यादा प्रदर्शन नहीं कर पाए पर इनके पास बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि बहुत सारे रन्स बना सकें। फिर मुजीब काफ़ी जेन्युइन T20 मैच विनर है बॉल से,
बम्मल ने 2 विकेट लिया था लास्ट मैच में, इनका भी प्रदर्शन अच्छा देखने को मिला था। फैंटेसी डेप्थ की बात किया था, चैडविक बोल्टन एक अच्छे चॉइस होंगे। स्पिन बोलर्स का इस पिच पे रोल रहेगा, ग्लेन फिलिप्स, सुनील नारायण, आंद्रे रसल, मुजीब, नंदन सिमंस मस्ट पिक होंगे आपकी टीम में। वाइस कैप्टन के लिए अच्छे ऑप्शन है रसल और फिलिप्स। संदीप लमिचाने को कैप्टन बना सकते हैं। ब्रांड लीग में की प्लेस और बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन है लंदन सिमंस, सुनील नारायण, खालन मनरो, हायरन पोलार, ग्लेन फिलिप्स, रोवन पावेल और आंद्रे रसल। वहीं पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो यह ब्रायन लारा मैच में स्टेडियम में खेला जाएगा ट्रिनिडाद में। अच्छी पिच है, स्पिनर्स को अच्छा मदद मिल रहा है इस पिच पे, बारिश की संभावना नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं ड्रीम इलेवन में टीम बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं देख सकते हैं विकेट कीपिंग के ऑप्शन में हमने दोनों को सेलेक्ट किया हुआ है, चैडविक बोल्टन। टाइम शेफर्ड लास्ट मैच में प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था, पर फ्रेंड्स वो केपेबल है, काफ़ी अच्छे नॉक्स खेलने के केपेबल है, अच्छे प्लेयर है वो। तो फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, तो चैडविक बोल्टन भी ठीक ठाक प्रदर्शन था, एवरेज था, वैसा कोई बहुत अच्छा इनिंग नहीं खेली थी उन्होंने लास्ट मैच में। वही बैटिंग में देखा जाए तो बैटिंग में हमने 3 प्लेयर्स को सेलेक्ट किया है। ग्लेन फिलिप्स लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था, मनरो को सेलेक्ट किया हुआ है। मनरो फॉर्म में दिख रहे थे, उतने ज़्यादा रन स्कोर नहीं किए पर फिर भी वो फॉर्म में दिख रहे थे। वहीं आसिफ अली की बात किया तो लास्ट मैच में उन्होंने ही मैच जिताया। बैटिंग से बात किया तो किसी ने बैटिंग में अच्छी पारी खेली तो वो थे आसिफ अली जमैकन थालावर्क्स की तरफ से। वहीं फ्रेंड्स फिर ऑलराउंडर्स की बात किया तो रसल को पिक किया हुआ है हमने, नारायण को पिक किया हुआ है और ड्वेन ब्रावो को पिक किया हुआ है। अगर आप चाहें तो पोलार्ड के साथ जा सकते हैं, ड्वेन ब्रावो के साथ अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो। मैं पोलार्ड के साथ इसलिए नहीं जा रहा हूँ, वो वेल नोन इंटरनेशनली नोन ऑलराउंडर है, पर मैं उनके साथ नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो बॉलिंग करते हुए नहीं दिखेंगे। दिख सकते हैं कि वो खुद ही कप्तान है पर बॉलिंग के काफ़ी ऑप्शन है टीकेआर के पास, इसीलिए वह पोलार्ड बॉलिंग करते हुए कम दिख सकते हैं। और बैटिंग की बात की तो बैटिंग के आने के चांसेस भी बहुत कम है। वहीं ड्वेन ब्रावो की बात की तो बॉलिंग तो वो पक्का ही करेंगे, बैटिंग भी आ जाए तो वो रन स्कोर कर सकते हैं। वहीं बॉलिंग की बात की है तो मैंने मुजीब को पिक किए हुए, मुजीब की जगह आप लामी के साथ जा सकते हैं, लमिचाने के साथ, पर मैं मुजीब के साथ जा रहा हूँ। मुजीब का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था लास्ट मैच में भी और मुजीब एक जेन्युइन T20 बॉलर है, पर अगर आप चाहें तो यू कैन गो विद संदीप लमिचानी टू। फिर वहीं बात करूँ फवाद अहमद, तो फवाद अहमद एक काफ़ी अच्छे बॉलर है, लास्ट मैच में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं देखने को मिला उनका, पर वो भी एक अच्छे बॉलर है। वहीं आपको बता दूं कि जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पोमॉल के साथ जा सकते हैं, पोमॉल ने लास्ट मैच में 2 विकेट लिया था, पर मैं फवाद अहमद के साथ जा रहा हूँ क्योंकि फवाद अहमद पोमॉल से ज़्यादा अच्छे केपेबल है, पर मैं इसीलिए मैं उनके साथ जा रहा हूँ, भले ही लास्ट मैच में उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो फिर अली खान को मैंने पिक किया, डेथ में ये बॉलिंग करते हुए देख सकते हैं तो डेथ में काफ़ी विकेट चटका सकते हैं, ये चांसेस है, इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये एक अच्छी टीम बन गई है हमारे, 2 विकेटकीपर, 3 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर और 3 बॉलर्स की। तो कैप्टन की बात किया तो कैप्टन के लिए मैं आपको सबसे अच्छी और सेफ पिक दूंगा सुनील नारायण। आप रसल के साथ भी जा सकते हैं पर मैं नारायण को चूज़ कर रहा हूँ, इसकी एक रीज़न है क्योंकि बैटिंग के चलते नहीं, इन्होंने अगर 50 रन नहीं भी बनाए होते तो मैं भी इन्हीं को कप्तान चूज़ करता, क्योंकि जो लास्ट मैच में इन्होंने जो बॉलिंग की है वो बॉलिंग इनकी काफ़ी बहुत अच्छी थी, क्योंकि ये जो बॉलिंग की है काफ़ी इकोनॉमिकल थी, बैट्समैन पढ़ नहीं पा रहे थे किस तरफ गेंद टर्न होने वाली है, बॉल छुपा के बॉलिंग कर रहे थे, काफ़ी अच्छी बॉलिंग देखने को मिली, बॉलिंग रिदम इनका वापस आ रहा है। अगर ये उसी रिदम से के साथ खेले इस मैच में भी तो काफ़ी विकेट चटका सकते हैं, 2-3 विकेट चटका सकते हैं, ऊपर से ओपनिंग करने आएंगे, अगर ये 10-20 रन भी बनाते तो एक वैल्यूएबल पिक आपके लिए हो जाएंगे। वहीं वाइस कैप्टन के ऑप्शन की बात की है तो मैं रसल के साथ जा रहा हूँ, रसल लास्ट मैच में नहीं चला था और ये मैच में चांसेस है कि वो अच्छा रन स्कोर करें, भले ही अगर वो स्कोर नहीं भी करते तो बॉलिंग से तो 1-2 विकेट लेने के उनके चांसेस रहेंगे और फील्डिंग से 1-2 कैच भी आ जाते हैं। तो एक सिंपल सा चॉइस है कि रसल तो 10-20 रन भी बना देते हैं और 1-2 विकेट से पक्का लेंगे, बॉलिंग ठीक ठाक ही कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स एक अच्छी टीम देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं हमारी टीम को काफ़ी अच्छी टीम देखने को मिल रही है। 3 बजे ये मैच खेला जाएगा तो आप पहले से एक सेफ टीम सजेस्ट कीजिए, और क्योंकि अगर आप नहीं उठने पाए उतनी जल्दी, इंडियन यूज़र्स की बात कर रहा हूँ, अगर वो नहीं अपने पाए इतनी जल्दी तो दिक्कत ना हो, एक सेफ टीम चूज़ कीजिए और फिर आप एडिट कर सकते हैं अगर आप रात को उठते हैं तो। तो फ्रेंड्स होप करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, टीम भी अच्छी लगी होगी, सजेस्ट कैसा हुआ कमेंट करके हमें बताइए कैसी टीम है। लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, से भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टे होम स्टे सेफ।